मेरी अभिलाषा मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस भजन वीडियो की लॉन्चिंग आर्यका श्री अरहम श्री माताजी सत्संग की चातुर्मास कलश स्थापना में हुई, जिसमें आगरा के अरहम भक्त परिवार को उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। बुजुर्गों की सेवा करना और उनका ख्याल रखना ये कलयुग में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मानवता की इस पहल में आगे आई भिंड की मीडिया प्रभारी सोनल जैन ने वृद्ध आश्रम में जाकर सभी बड़े बुजुर्गों को भोजन कराया। इसके उपरांत सभी महिलाओं को साड़ी और पुरुष वर्ग को साफी भेंट की, जिसे पाकर सभी प्रसन्नचित नजर आए। जयपुर में 16 जुलाई को श्री दिगंबर जैन पद यात्रा संघ के तत्वावधान में 8 दिवसीय बुंदेलखंड धार्मिक यात्रा दल को भट्टारक जी की नसिया से 181 यात्रियों का दल भगवान आदिनाथ के जयकारों के साथ रवाना हुआ। यात्रा से पूर्व सभी ने नसिया जी स्थित मंदिर जी में सामूहिक देव दर्शन किए। जसवंत नगर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन बाजार में चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया, जिसमें दिगंबर मुनिराजू की पूजा अर्चना की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने मुनिराजू का गुणगान करते हुए उनके तप बल एवं रिद्धियों की अनुमोदना की। विधान के अंतर्गत रिद्धि आदि का विशेष पूजन किया गया। 16 जुलाई को मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में आर्यका रथ श्री प्रतिभामती माताजी सत्संग का 2023 के मंगल कलश स्थापना का समारोह सानस संपन्न हुआ। श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ भक्ति में झूमते हुए महोत्सव का आनंद लिया। राजस्थान के सुजानगढ़ नयाबास स्थित श्री दिगंबर जैन पांड्या चैत्यालय में भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। सुजानगढ़ समाज को अनुष्ठान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री जी की प्रतिमाओं को शीश पर विराजमान कर बैंड बाजू के साथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित धर्मचंद जी शास्त्री का दिशा निर्देशन श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुआ। मंदिर पहुंचने पर प्रतिमाओं को विधिवत वेदी में विराजमान कराया गया। समापन अवसर पर ही मंदिर परिसर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भी किया गया।